हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल हेल्पर सर मेथड फिजिक्स पर। तो हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमने वहां उनका लिंक दे दिया है। तो आइए न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल को करने से पहले हम थोड़े से फॉर्मूलों का रिवाइज कर लेते हैं जिनका हम यूज करेंगे और जो हमने पिछले लेक्चर्स में ड्राइव भी किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको उड्डयन काल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट, हिंदी में बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। इसका फॉर्मूला था h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको क्षैतिज परास्व भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला था r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या था, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक पत्थर को पृथ्वी तल के साथ 45 डिग्री के कोण पर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। पत्थर की क्षैतिज परास कॉमा उड्डयन काल निकालना है। इंग्लिश में आगे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले जो जो दिया गया है, जो गिवन है, उसको लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी तल के साथ 45 डिग्री पर, तो एंगल दे रखा है थीटा बराबर 45 डिग्री। और क्या दिया है, के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 49 मीटर पर सेकंड। और कुछ नहीं दिया है, और निकालना है पत्थर की क्षैतिज परास एंड उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए, नंबर 1 निकालते हैं पहले, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का फॉर्मूला कितना होता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आइए वैल्यू रखते हैं, r बराबर u की वैल्यू कितनी दी है, 49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय g का मान होता है 9.8। देन r बराबर 49 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 49, यहां हो जाएगा 45 इंटू 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन में 9.8, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 49 से 98 को काटा 2 टाइम्स गया, 2 से 10 को काटा 5 टाइम्स गया, तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 45 4 × 5 = 20 × 4 = 24 245 मीटर। तो ये आ गया आपका क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकंड पार्ट क्या है, उड्डयन काल। तो वो क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। आइए वैल्यू रखते हैं, टी बराबर 2 इंटू यू दे रखा है 49, साइन थीटा दिया है 45, जी होता है 9.8, देन टी बराबर पॉइंट हटाएंगे तो
ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 49 इंटू टू टाइम्स गया, 2 से 2 कटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 10, 1/√2, रूट टू का मान कितना होता है 1.414 इंटू 10, देन टी बराबर 10/1.414 सेकेंड। चाहे तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक मिसाइल को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से अधिकतम परास के लिए छोड़ा जाता है, मिसाइल द्वारा अधिकतम परास और महत्तम ऊंचाई निकालिए। इंग्लिश में सामने लिखा है, पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, मिसाइल की इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, के वेग से अधिकतम परास के लिए छोड़ा जाता है मिसाइल द्वारा अधिकतम परास और महत्तम ऊंचाई निकालनी है। अधिकतम परास कितनी होती है r इज क्वेश्चन मार्क, एंड महत्तम ऊंचाई कितना होता है h इज क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको पुराने लेक्चर्स में किसी भी पार्टिकल के द्वारा अधिकतम परास का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, अगर याद नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से करके बताते हैं। r क्या होता है अधिकतम के लिए, u स्क्वायर अपॉन g, मान रखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। u का कितना मान दे रखा है 20 to the whole square, और g गिवन है 10 रखना है, देन r बराबर 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 10, देन r बराबर 40 मीटर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो हमने ऐसे कर दिया। मान लीजिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखिए नॉर्मली जो क्षैतिज परास होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। आपको बताया गया था कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा अधिकतम परास को प्राप्त करने के लिए जो थीटा का मान होता है वो 45 होता है, देन इसके लिए थीटा बराबर 45 आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, r बराबर u की वैल्यू है 20 to the whole square, साइन इंटू 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय जी का मान 10 गिवन है, 20 का स्क्वायर 400 इंटू, देखिए यहां पे हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10, देन r बराबर 40 मीटर। आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आपको टाइम कम लगेगा। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, महत्तम ऊंचाई निकालनी है। महत्तम ऊंचाई कितनी होती है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आई वैल्यू रखते हैं, h बराबर u की वैल्यू कितनी है 20, 20 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, देन h बराबर 20 का स्क्वायर 400, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 डिवाइडेड बाय 10, 2 से काटेंगे 200, 10 से डिवाइड करेंगे 20, देन h बराबर 20 मीटर। तो इस प्रकार रेंज और हाइट को हम निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रक्षेपीय पथ का समीकरण दिया गया है और कण का वेग और कोण पूछा गया है। तो सॉल्यूशन का सबसे सिंपल ही तरीका है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। गिवन है प्रक्षेपीय पथ का समीकरण, y बराबर √3x माइनस g/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे नॉर्मल प्रक्षेपीय पथ की समीकरण होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y बराबर tan थीटा x माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मली हम इनकी कंपैरिजन करेंगे, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा किसके बराबर है √3 के, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितने डिग्री पर tan थीटा का मान √3 होता है 60 पर, यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। एक पार्ट तो हो गया इसका, एंगल तो हमने निकाल लिया,
अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है। तो देखिए जब हम अगले पार्ट की कंपैरिजन करेंगे तो जी के स्थान पर तो जी है ही, दो के स्थान पर भी दो है, बाकी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर यहां पर वन होता है। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहां वन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई है 60 डिग्री, cos 60 का होल स्क्वायर बराबर 1। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1। देन यहां से u स्क्वायर बराबर 4, u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से कण का वेग और कोण दोनों निकल गए। देखिए जो आपका पेपर होगा ना उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, छोटा मोटा लॉजिक होगा जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में था, बस इतना ही हो पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आने वाली वीडियोस में हम फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो लाएंगे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा।